तो गेम नाइट बॉयज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मैच होने जा रहा है ना, ये मैच होने जा रहा है दोस्तों रूथलेस एग्रेशन वर्सेस न्यू एरा के बीच। तो दोस्तों, आज के मैच में हम लोग देखेंगे कि इन दोनों एरा में से सबसे बेस्ट सुपरस्टार्स किस एरा में थे, ठीक है, रूथलेस एग्रेशन एरा में या फिर न्यू एरा में। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी ना, तो इसके और भी पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि दोस्तों इन दोनों एरा में ना बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त सुपरस्टार्स रहे हैं। आज तो मैंने खाली मेन मेन सुपरस्टार्स लिए हैं जो सबसे बेस्ट हैं, लेकिन दोस्तों मैच की जो शुरुआत की है ना, वो अपने एरा के सबसे बेस्ट सुपरस्टार्स ने की है। रूथलेस एग्रेशन के सबसे बेस्ट सुपरस्टार है जॉन सीना, और न्यू एरा के सबसे बेस्ट सुपरस्टार में से एक है रोमन रेंस। दोस्तों नहीं 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 भाई, मुझे लगा दोस्तों रेंस अभी, लेकिन इतनी जल्दी तो पिन होने वाले हैं नहीं रोमन भाई। दोस्तों दो दो फिनिशर सबको दिए हुए हैं, यानी कि सबके पास अपने अपने फिनिशर हैं। चलो भाई, अंडरटेकर और सीना आ चुके हैं। हाँ, जाओ भाई मैकेंटायर नीचे, डबल टीम भाई, सीना और टेकर। दोस्तों ये टैग टीम मतलब इमेजिनेशन की टैग टीम है, लेकिन 2K22 में हम लोग कर सकते हैं। अरे रिवर्स कर दिया भाई अंडरटेकर सर ने। भाई रूथलेस एग्रेशन के सुपरस्टार इतने खतरनाक ऐसे ही नहीं थे भाई रेंग। दोस्तों आप लोगों को कौन सा एरा सबसे ज्यादा पसंद है? मतलब रूथलेस एग्रेशन में तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सुपरस्टार निकले थे, अपने बीस्ट वहीं से हैं दोस्तों, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन दोस्तों, एज, बहुत से सुपरस्टार हैं दोस्तों जो रूथलेस एग्रेशन से निकले हैं। और न्यू एरा में भी बहुत से सुपरस्टार हैं जो बहुत ही जबरदस्त हैं। और दोस्तों जो बेस्टों में बेस्ट है ना, उनका गेम प्ले मैंने आज किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आएंगी ना दोस्तों, इसकी सीरीज को मैं आगे चलाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, रिंग ने स्पेयर मार दिया ना। नहीं 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 नहीं, अंडरटेकर सर को हराना इतना आसान नहीं है भाई। लो भाई, रैंडी ने क्लोज लाइन दे दिया अब रिंग्स को। रैंडी रिंग के बाहर जाओ भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा रैंडी नहीं, रिंग्स एजे स्टाइल को टैग दे दिया। चलो भाई आ जाओ एजे स्टाइल, अंदर आ जाओ। अरे यार, आते ही पैर पड़ रहे हैं अंडरटेकर सर के। चलो भाई, टेकर सर तो ले गए भाई उन्हें अपनी कॉर्नर पे, अब किसे टैग देंगे? अच्छा भाई, लेस्नर को ही टैग दिया। लो भाई, ये लो भाई। दोस्तों अपने समय के तो ग्रेट अराइवल आज टैग टीम बने हुए हैं। ये लो भाई एज स्टाइल। अरे यार, ब्रॉक नाक मत कटाना यार। दोस्तों ब्रॉक लेसनर भी अपने रूथलेस एग्रेशन के ये एक जबरदस्त सुपरस्टार में से एक है ना। उस समय पे दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सुपरस्टार हुए थे, वैसे ऐसी बात नहीं है। चलो भाई, पहले किक भाई। फिर से पहले किक भाई, कितनी मारेंगे भाई पहले किक? इतना भी मत मारो यार। ये लो भाई, ब्रॉक को डीडीटी पड़ गई यार। अभी मैकेंटायर और सेटरलेंस तो आए नहीं है, ब्रॉक की हेल्थ खा देंगे कह रहा हूँ। अरे रिवर्स कर दिया लेसनर ने, बहुत अच्छा भाई। अरे यार, अब एजे स्टाइल को पड़ेगा F5। हाँ ये लो भाई, एजे स्टाइल पड़ गया तुम्हें F5, लेकिन अभी नहीं हारेंगे दोस्तों। एजे हेल्थ अब अच्छी है उनकी भी। अरे रेंक्स ने बचा लिया भाई, असीना आ गए। दोस्तों आज रोप ब्रेक वगैरह सब ऑफ है, हाँ, यानी कि कोई कहीं पर भी एलिमिनेट हो सकता है। अरे भाई, ब्रॉक ने संभाल लिया फिर से ट्राइबल चीफ को। ये लो भाई ट्राइबल चीफ, जाओ बाहर। फिर से पड़ा, ये लो भाई ब्रॉक, लेकिन ब्रॉक की हेल्थ बहुत ज्यादा है अभी। कुल मिला के खतरा एजे स्टाइल के लिए ही है। ओ भाई, बैक ब्रेकर लगा दिया एजे स्टाइल ने। अरे यार, फिनोमिनल फोरआर्म देने जा रहे थे, ब्रॉक ने टैग दे दिया। आरकेओ से बच के रहना। अरे भाई, एंजुगिरी मार दी भाई सीधे। और लेसनर को भी संभाल लिया आरकेओ भाई, हैज बीन एलिमिनेटेड। दोस्तों आरकेओ से एजे स्टाइल तो एलिमिनेट हो गए। हाँ, अच्छा क्लेमोर। ओ भाई, रैंडी रिवर्स करो भाई, रैंडी रिवर्स करो। क्लेमोर से एलिमिनेट मत हो जाना यार।
नहीं अभी तो रैंडी की हेल्थ बहुत है। अरे रिवर्स कर दिया यार। ये लो भाई रैंडी। यार मैकिंटायर का एक और क्लेमोर पड़ा ना रैंडी को, तो जाएगी। अच्छा सीना ने सेव कर लिया। अरे भाई सीना को लगा दी क्लेमोर, लेकिन ड्रू ने गलत आदमी फोकस करा है। रैंडी से बच के हैं ड्रू, आर क्यों पड़ेगा तुम्हें। दोस्तों आप लोगों को रूथलेस एग्रेशन में सबसे बेस्ट सुपरस्टार कौन लगता था? दोस्तों मुझे जो लगते हैं वो है दोस्तों जॉन सीना, क्योंकि उस एग्रेशन से जो सुपरस्टार सबसे अच्छे निकले हैं ना वो जॉन सीना ही हैं दोस्तों। ये बाकी के सुपरस्टार्स भी अच्छे हैं, रैंडी हो गया, अंडरटेकर सर हो गए, ये भी बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन सीना वन ऑफ द बेस्ट हैं दोस्तों। ये लो भाई ड्रू, होने को तो दोस्तों सभी बेस्ट हैं, मात्र सीना ही नहीं सभी के सभी बेस्ट हैं भाई। ये ले भाई ड्रू मैकिंटायर। अच्छा लेस्टर के पास F5 और सिग्नेचर दोनों आ चुका है, हाँ लेकिन लगा नहीं रहे यार सिग्नेचर। अगर लगा देते तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाती। चल भाई टकले काउंट कर, रोक F5 लगाओ भाई, तुम्हारे पास मौका अच्छा है, F5 लगाओ भाई, एक तो एलिमिनेट हो चुका है। अच्छा कॉर्नर पे ले जा रहे हैं अपने, अरे यार इस चक्कर में मार खाओगे, मुझे पता था। दोस्तों आप लोग कौन सी टीम की तरफ हो, रूथलेस एग्रेशन या फिर न्यू एरा, कमेंट करके बताना तो मुझे जरा। ये ले भाई, दोस्तों जब तक सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंग्स है ना, तो मतलब कि न्यू एरा के जीतने के चांस बराबर हैं जितने भी रूथलेस एग्रेशन एरा के जीतने के चांस हैं। चलो भाई टेकर सर आ चुके हैं अंदर, अब चल भाई बाहर चला जा। अरे यार अंडरटेकर सर ने बाहर फेंक दिया। काउंट कर भाई रेफरी, बस काउंट आउट मत होना यार दोनों में से कोई भी, वरना दोनों टीमों को नुकसान हो जाएगा। ये ले भाई, ड्रू मैकिंटायर की हेल्थ भी पूरी की पूरी लाल कर दी है। ये लो भाई यार ड्रू मैकिंटायर ने अंडरटेकर सर को बुरी तरह मार दिया यार। लेकिन दोस्तों भी रूथलेस एग्रेशन के जो भी सुपरस्टार बचे हुए हैं ना, देखो उनकी हेल्थ देखो आप लोग, पूरे के पूरे मतलब ग्रीन मीटर तो हर किसी के पास है। टेकर सर अंदर ले जाओ। अरे यार मुक्का तो खतरनाक मारा था लेकिन चूक गए। ये लो भाई, एक असर अंदर ले जाओ भाई, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई से मैच नहीं जीतना है। शेत्रलंस हट भाई साइड, सेट साइड हटो भाई। अरे अंदर जाओ भाई दोनों के दोनों, एक असर अंदर जाओ। चलो भाई मैकिंटायर ने चलो काउंट आउट तोड़ दिया ना। ये ले भाई, मैकिंटायर अंदर ले जाओ भाई, अंडरटेकर सर को बाहर, डिस्क्वालीफाई मत होना भाई। अच्छा टेकर सर के पास सिग्नेचर और फिनिशर दोनों है। ये लो भाई, दोस्तों मैच में तो मजा आ रहा है, मतलब 8-8 सुपरस्टार जबरदस्त लड़ रहे हैं, मतलब अब तो 7 हो गए हैं। एजे स्टाइल तो जा चुके हैं लेकिन काफी जल्दी चले गए यार एजे स्टाइल, इतनी मतलब उम्मीद थी मुझे एजे स्टाइल से काफी कि लास्ट तक टिकेंगे करके। मैकिंटायर जाओ भाई अंदर। अरे यार गलत जगह कूद गए टेकर सर। अंडरटेकर सर को सुसाइड डाइव मारने की जरूरत क्या थी अभी। मैकिंटायर अंदर ले जाओ भाई उनको, टेकर सर अंदर जाओ भाई। अरे यार अब बाहर ही लड़ रहे हैं ये लोग, अंदर जाना भूल गए क्या। ये लो भाई टेकर सर को नीचे लगा दिया स्लैम। चलो मैकिंटायर तो अंदर चले गए, बाहर मत आना मैकिंटायर अब। अरे यार टेकर सर क्या कर रहे हो, कितना घूम क्यों रहे हो, अंदर जाओ ना। चलो बहुत बढ़िया,
अच्छा मैकेंटायर लगता है क्लेमोर ना लगा दे। हाँ इनके पास क्लेमोर है अभी भाई। ये ले भाई ड्रू मैकेंटायर, तूने टेकर सर के मुंह से खून निकाला, उन्होंने तेरे मुंह से निकाल दिया। आ जाओ भाई टेकर सर, फिनिशर लगाओ यार, चले जाओ भाई मैकेंटायर। दोस्तों अगर मैकेंटायर को एक भी फिनिशर लगा ना, सीना आ गए भाई अंदर। अच्छा लगाते हैं, कह रहे हो एटीट्यूड एडजस्टमेंट। हाँ लगा भाई मैकेंटायर को, मैकेंटायर ने रिवर्स कर दिया यार। सीना हमारे फेवरेट सुपरस्टार है, उनका एटीट्यूड एडजस्टमेंट रिवर्स कर दिया। सीना लगाओ, अरे यार वहां को कहां देखे हो, बैक सुप्लेक्स का लो भाई। अब तो उनके कॉर्नर पे चले जाओ भाई सीना। सीना लगाओ भाई एटीट्यूड एडजस्टमेंट, अरे यार नहीं लगा रहे हैं। अच्छा सुपर ए देने के चक्कर में है। हाँ अब तो लगा भाई ड्रू मैकेंटायर का सुपर ए। हाँ अब तो एलिमिनेट हुए दोस्तों, अब तो डेफिनेटली एलिमिनेट हुए। हाँ ये, अरे यार फिर से रिवर्स कर दिया मैकेंटायर ने। अब मैं बोलूंगा ही नहीं कि एलिमिनेट हो गए करके। रनिंग बुलडॉग भाई, अब मैकेंटायर को टैग दे देना चाहिए भाई। अच्छा सीना के पास सिग्नेचर तो है भाई। ये लो भाई मैकेंटायर, मैकेंटायर की पूरी बॉडी रेड कर दी है सीना ने। अरे कहाँ जा रहे हो यार, उनको टैग देने का मौका क्यों दे रहे हो। अरे यार सीना, अब तो सेट का तुम्हें कर्बस्टोन पड़ेगा देखना। आओ भाई सेट। दोस्तों रूथलेस एग्रेशन तो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है यार, एक भी एलिमिनेट नहीं हुआ है अभी तक। ब्रॉक लेसनर की हेल्थ देखो आप लोग, पूरी की पूरी है। रैंडी की हेल्थ देखो आप लोग, टेकर सर की हेल्थ देखो, और यहाँ रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की हेल्थ है जो ज़्यादा है। मैकेंटायर तो नीचे स्टन पड़े हुए हैं भाई। अच्छा सेथ चले गए ट्राइबल चीफ के पास, ब्रॉक लेसनर और ट्राइबल चीफ भाई। अरे रे रे, रोमन का सुपरमैन पंच चूक गया भैया। अच्छा ब्रॉक चाहे तो अभी F5 दे सकते हैं दोस्तों ऐसे ही। अरे यार बाहर फेंक दिया लेसनर, ले भाई। एल्बो ड्रॉप भाई, स्टन होने वाले हैं रोमन अब। ये लो भाई ब्रॉक, क्लोज लाइन। ब्रॉक अंदर जाओ, अंदर जाओ, बहुत बढ़िया ब्रॉक। अरे यार अब तो रिंग्स नहीं आ सकते अंदर। टकला बुला भी रहा है भाई उनको, रिंग्स अंदर जाओ। अरे यार जब स्टन थे तो ब्रॉक अंदर थे। ये लो भाई ब्रॉक को पटक दिया आपसी। अब ब्रॉक ब्रॉक अंदर जाओ, अंदर जाओ ब्रॉक। क्या कर रहे हैं लोग, रिंग के बाहर क्यों लड़ रहे हैं, जबकि एलिमिनेट तो रिंग के अंदर से होना है। ये लो भाई, ये लो भाई। अरे भाई रोमन की पूरी हेल्थ रेड कर दी भाई। यानी कि कुल मिला के न्यू एरा के जो भी सुपरस्टार है ना, एक एक फिनिशर के मेहमान है बस। आओ भाई लेसनर अंदर आओ। यार इतना घूम के क्यों आ रहे हो, यहाँ से भी तो आ सकते थे। चलो भाई अंदर आ गए ना, ग्लिटिन मत लगाना। अरे यार अब रेंक्स नीचे चले गए, क्या कर रहे हैं। रेंक्स को क्या जरूरत थी रैंडी को, रैंडी ऑर्टन को क्यों कर रहे हो यार। चलो भाई लेसनर ने कर दिया ना काम। अरे मैंने टैग दे दिया मैकेंटायर को, मैकेंटायर लगाते हैं, कह रहे हो क्लेमोर। अब क्लेमोर मैंने कहा था ना आपसे। नहीं नहीं भाई, रूथलेस एग्रेशन के सुपरस्टार ऐसे हारने वाले नहीं है। फिर से क्लेमोर, अब लगता है कि मैकेंटायर करते हैं, कह रहे हो एलिमिनेट ब्रॉक को, रिवर्स कर सकते हैं यार मैं। अरे यार मैकेंटायर ने एलिमिनेट कर दिया भाई लेसनर को। टेकर सर लगाओ फिनिशर। अरे यार टेकर सर भी खेल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये लो भाई, अब दोस्तों 3-on-3 हो गया मैच। टेकर सर की बात तो फिनिशर है यार, लगा क्यों नहीं रहे हैं। अरे भाई दोस्तों मैकेंटायर का ये मूव देखे हुए समय हो गया भाई।
मैकेंटर बड़ा बुरा मारते थे भाई वाला स्लैम तो। क्या कर रहे हैं यार टेकर सर, मार खा रहे हैं पता है, रूथलेस एग्रेशन के नाक कटा रहे हैं टेकर सर। अब डबल टीम ले भाई, ओ भाई सीना आ गए भाई अंदर। अरे हाँ, समोन ड्रॉप लगा दिया सीना को। स्पेयर। दोस्तों मैंने कहा था ना, जब तक सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकइंटायर, रोमन रेंस है ना, जीतने के चांस बराबर है उनके। सुपरमैन पंच भाई रैंडी को। यार सारे के सारे रूथलेस एग्रेशन के सुपरस्टार की हेल्थ पूरी की पूरी रेड कर दी इन लोगों ने। चल भाई रैंडी बाहर चले गए। अगर सीना को गुलेटिन लगा, अबे यार सीना को पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कब स्टोम पापा, लगा भाई से कब स्टोम, ये ले भाई सीना कब स्टोम। चलो भाई दोस्तों सीना भी एलिमिनेट। सुपर किक भाई अंडरटेकर सर को। अरे यार दोस्तों अब आरके और वो ही बचे हुए हैं, पता नहीं कब लगाएंगे अपना फिनिशर ये लोग। ये लो भाई न्यू एरा जबरदस्त है यार, 2-on-3 कर दिया भाई इन्होंने मैच। ये लो भाई, और अंडरटेकर और रैंडी ऑर्टन की हेल्थ देखो आप लोग, दोनों की रेड हुई पड़ी है। चलो भाई अब तो लगाए कम से कम, अब तो टेकर सर को लगा कि मुझे फिनिशर लगाना चाहिए करके। ये लो भाई सेथ रॉलिंस। चल भाई टकले काउंट कर यार, रोप ब्रेक तो मैंने बंद किया था, ये क्यों हो रहा रोप ब्रेक, पता नहीं यार क्या सिस्टम है 2K का भी। ये लो भाई रॉलिंस को फिर से लगा दे, फिर से रोप ब्रेक हो जाएगा टेकर सर। मुझे पता था रोप ब्रेक फिर से हो जाएगा भाई, ठीक है रैंडी को टैग, मुझे लगा लगा भाई सेथ रॉलिंस को लगा एक फिनिशर। अब हाँ अगर रैंडी ने आरकेओ लगाया ना तो सेथ रॉलिंस तो गए दोस्तों। That's bad. Seth Rollins' face is making me weak to my stomach. Hold on a second. Could be a matter of time. अच्छा Randy Orton ये क्या कर रहे हैं भाई? Randy Orton submission लगा रहे हैं यार। Serious effort here. The architect gonna have to design a counter to this submission. How do you get out of this? चलो भाई Seth Rollins, अरे भाई Seth यार finisher से बच के submission लगा रखा, फिर भी उनके ऊपर pin करने में लगे हुए Seth. आर क्यों लगा दो रैंडी, आर क्यों भाई। चलो भाई दोस्तों अब टेकर सर मात्र अकेले बच गए भाई बाहर, और वैसे भी दोस्तों न्यू एरा ने कमाल कर दिया भाई, एक एजे स्टाइल ही है जो एलिमिनेट हुए, बाकी के तीन ने तो जबरदस्त यार पूरा का पूरा रूथलेस एग्रेशन बाहर कर दिया इन लोगों ने। अब मात्र टेकर सर बचे हुए हैं, खड़े उठो भाई अंडरटेकर सर। सेठ अंदर ले जाओ भाई अंडरटेकर को, चलो भाई रिवर्स तो किया कम से कम अंडरटेकर सर ने, अंदर जाओ अंडरटेकर सर। पावर बॉम्ब, अरे क्या कर रहे, दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए भाई। लो भाई अंडरटेकर सर तो गए भाई, ये लो भाई अंडरटेकर सर ने गलती कर दी। तो चलो दोस्तों हमारा जो आज का गेम प्ले है वो यहीं तक, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। The referee's count is more than enough time to get back in the ring. The loser only has themselves to blame.